प्रायोरिटी में देख रही थी और वो अब शुरुआत से ही जीत की बात कह रहे थे, लेकिन अभी जो मतगणना में जो परिणाम आ रहे हैं वो उनके अनुसार नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले भी घोसी विधानसभा में जीती थी, इस बार भी जीतेगी, ये बहुत पहले से कह रहा था। विशेष रूप से जो समाजवादी पार्टी से जीते हुए प्रत्याशी थे, उन्होंने दल बदलकर घोसी की जनता का अपमान किया है। घोसी की जनता अपने अपमान का बदला लेने के लिए पूरी ताकत के साथ भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ शुरू से लेकर अंत तक लगी रही है, और उसी का परिणाम है कि अब तक जो 11 राउंड के मतदान प्रमाण आए हैं उसमें लगभग 15,000 से ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी आगे चल रहे हैं। अभी कई राउंड की गिनती होनी बाकी है और हमें लगता है जो जीतने का अंतर अभी तक देखने को मिला है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गिनती पूरी होने के बाद समाजवादी प्रत्याशी लगभग 40,000 वोटों के अंतराल से जीतेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और घोसी की जनता के उत्साह को देख करके मैं ये कह सकता हूं कि तमाम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी घोसी की जनता के उत्साह के सामने बौना साबित हुआ है। ओम प्रकाश राजभर, जो बीते दिनों एनडीए उन्होंने कहा कि ये सीट तो हमारी सीट है घोसी, उसके अलावा वो कई और सीट गिनाते हैं जो उनकी सीट है, लेकिन अभी जब सुबह से ये मतगणना शुरू हुई है तो वो उनका कोई बयान नहीं आया है। क्या लगता है, जितना वो कॉन्फिडेंट थे चुनाव के दरमियान और चुनाव से पहले, अभी उस जीत उस लक्ष्य पे नहीं पहुंचा पाए सीट को? देखिए, आप जो नाम लिए हैं वो डीग हांकने के माहिर है। घोसी के लोग तो उनको मंगलू चाचा बोलने लगे, जिस तरीके से लंबी चौड़ी हांकते हैं, हवा हवाई बातें करते हैं, जमीन पर पैर नहीं रहता है, और जिस तरीके से घोसी की जनता दारा सिंह चौहान को सबक सिखा रही है, उसी तरीके से आने वाले समय में जहां भी ओम प्रकाश जी चुनाव लड़ेंगे इनका ही समाज राजभर इनको सबक अवश्य सिखाएगा।